बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का आर्टिकल नंबर 4.5 डिस्कस करना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से और शॉर्ट के हवाले से। एक्चुअली ये बड़ा अहम टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर स्टार्ट करते हुए कि ये पूरा चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हमने इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और दूसरे भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने साथ साथ दी। तो टॉपिक का नाम है जनाब साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का वर्ड आपने सुन रखा होगा, पढ़ा भी होगा, बोला भी होगा। तो ये जो वर्ड है ये इसके ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के ईजी वर्डिंग में या गेस्ट पेपर्स चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? देखिए, इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इंटरनेट के बहुत सारे यूजेज़ हैं, इंटरनेट को हम इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे फ़वाद हासिल करते हैं। आज हमारी ज़िंदगी आसान बनी हुई है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। लेकिन अगर हम इसके नुकसान देखें, हर चीज़ का फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है। हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इंटरनेट के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बहुत सारे हैं। जहाँ पर इंटरनेट हमारे लिए सहूलत बना हुआ है, वहाँ पर इंटरनेट जो है वो क्रिमिनल्स के लिए भी सहूलत बना हुआ है। क्रिमिनल्स कौन होते हैं? मुजरिमों के लिए भी सहूलत बना हुआ है। इंटरनेट के ज़रिए से आज लोग घर बैठे हुए क्राइम करते हैं, जिस तरह हम घर बैठे हुए अपने काम करते हैं, इस तरह क्रिमिनल्स जो हैं वो भी क्राइम करते हैं। तो ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट या कंप्यूटर की डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी कोई बंदा क्राइम कर रहा है और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है या कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल वगैरह का, तो फिर ऐसा क्राइम साइबर क्राइम कहलाता है। ये साइबर क्राइम की डेफिनेशन और बुक में मेंशन भी है। अब साइबर क्राइम कौन कौन से हो सकते हैं, लोग किस तरह से साइबर क्राइम कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो कॉमन इसकी एग्जाम्पल्स हैं या टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें याद रखिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा जी, साइबर क्राइम में पहला जो साइबर क्राइम है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त, पहचान को। थेफ्ट कहते हैं चुरा लेना, किसी की शनाख्त चुरा लेना। आज ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कॉमन साइबर क्राइम है। फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, वो एक अकाउंट इस्तेमाल करने वाला प्रिटेंड करता है कि मैं ये हूं, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं या दूसरे लोग हैं जिनके अकाउंट फेक बने हुए हैं, ठीक है? इसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की शनाख्त चुरा लेना। और उस वो अपने आप को प्रिटेंड करना कि मैं ये बंदा हूँ, और दूसरे बंदे से रब्ता करके उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेना। मिसाल के तौर पे असलम अकबर का दोस्त है, ठीक है? तो नज़ीर जो है उसने अकबर का फेक अकाउंट बनाया और असलम से रब्ता करके कोई उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पूछ ली उससे। वो समझेगा ये मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, क्योंकि पिक्चर उसकी लगी है, नाम भी उसी का है, लेकिन पीछे नज़ीर बैठा हुआ था। तो अकबर को पता नहीं है, तो असलम से राबता करके उसने कोई इंपॉर्टेंट लाइक कोई पासवर्ड या कोई ईमेल आईडी उससे ले लिया, उसने कहा मेरा दोस्त है, उसने दे दिया। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। तो हैकर्स जो होते हैं या जो लोग ये हरकत करते हैं वो साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है? वो कमिट करते हैं कि वो साइबर क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट भी साइबर क्राइम में आता है। नंबर टू पे है ट्रांजेक्शन फ्रॉड। ट्रांजेक्शन होता है पैसे ट्रांसफर कर देना एक जगह से दूसरी जगह, पैसों का लेन देन, किसी के साथ पैसों का लेन देन कर लेना और बाद में मतलब फ्रॉड करके पैसों का लेन देन कर लेना और बाद में कहना मैंने तो ऐसा किया नहीं था। तो फिर वो जितनी भी कम्युनिकेशन थी वो कहना कि वो फेक थी। इसकी एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ, बुक में भी है, मैं कुछ और भी इसके बारे में बताता हूँ। बुक में ये एग्जाम्पल दी हुई है कि एक बंदा अपने ही क्रेडिट कार्ड से या अपने किसी फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से उससे पूछकर, मतलब एक बंदा है उसने अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड, दोस्त को कहा कि यार मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेता हूँ ऑनलाइन, और बाद में मैं कंपनी को क्लेम, बाद में तुम कंपनी को क्लेम करना कि जनाब ये मेरा क्रेडिट कार्ड जो है ये गुम हो गया था, चोरी हो गया था, तो किसी और ने इसे शॉपिंग कर ली, मेरे पैसे वापस करो, ठीक है? तो दोनों ने मिलकर शॉपिंग की, बाद में जो है ना कंपनी पे क्लेम कर दिया कि जी ये तो मेरा गुम हो गया था क्रेडिट कार्ड, किसी और ने ऐसा किया, मैंने तो ये शॉपिंग की नहीं, मेरे पैसे वापस करो वरना मैं केस कर दूंगा। इस तरह से किया भी खुद है और बाद में कह दिया जी मैंने तो किया ही नहीं। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड के अंदर आता है।
ठीक है, या किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए नहीं है और कह दिए जी मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आप मुझे ये चीज़ दे दें, इस तरह से भी होता है। वैसे तो आज इसके ऊपर बड़ी सिक्योरिटीज़ हैं, ये काम करना इतना आसान है नहीं आज के दौर में, लेकिन ऐसा बहरहाल होता है। ट्रांजेक्शन फ्रॉड यानी पैसों का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर देना या करवा लेना, ठीक है, और फ्रॉड करना, दो नंबर तरीके से ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस फी फ्रॉड। अच्छा, ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर एक और चीज़ भी आती है, मैं बता दूं, आजकल ऐसे भी हो रहा है कि आपको एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर लिखा होता है कि आपके जैज़ कैश या इजी पैसा या बैंक अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है, तो उसे लगता है कि अच्छा ये बंदा मुझसे चीज़ खरीद रहा था तो मुझे मैसेज आ गया, अब इसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, तो वो उसको चीज़ पहुंचा देता है, बाद में पता लगता है उसके अकाउंट में तो पैसे आए नहीं थे, वो जस्ट एक मैसेज था। ऐसे भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, और ये हैकर्स होते हैं जो ये हरकत करते हैं। अच्छा, एडवांस फी फ्रॉड क्या है? ये तो जनाब बहुत ही ज़्यादा आम है, बहुत ही ज़्यादा आम है एडवांस फी फ्रॉड। ठीक है, वो जी तो पाकिस्तान की तरफ से आपका इनाम निकला है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आपका इनाम निकला है, ठीक है, इनाम घर की तरफ से आपको जो है वो इतने पैसों का इनाम दिया जा रहा है या आपको कार दी जा रही है, पता नहीं कौन कौन से मैसेजेस आ रहे होते हैं लोगों को, और लोग इसके ऊपर ट्रस्ट भी कर लेते हैं। मैं हैरान हूँ कि लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, कर लेते हैं गलती से, तो वो समझते हैं अच्छा अच्छा मैसेज क्या आता है जी कि आपका 10 तोला सोना निकला है, तो अब आपने अगर तो ये सोना लेना है तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। जब वो बंदा उस नंबर पर रब्ता करता है लालच में आकर, तो वो आगे से कहता है जी वाकई आपका निकला है इनाम, तो 10 तोला सोना आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने 25,000 रुपया इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करने हैं। वो कहता है 10 तोला सोना की इतनी ज़्यादा रकम है, उसके आगे 25,000 रुपया क्या कहता है, वो 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करता है तो बाद में उसको सोना भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि 25,000 रुपये हाथ से निकल जाता है। तो ये होता है एडवांस फी फ्रॉड कि भाई एडवांस में इतने पैसे दो तो हम आपको फिर इतनी भारी रकम देंगे। ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासतौर पर गाँव वाले इलाकों में लोग ज़्यादा पैसे तो नहीं लेकिन 5,000-5,000 6,000 रुपये मंगवा लेते हैं और बाद में जो है ना अपना नंबर भी बंद कर देते हैं। तो ऐसे भी होता है, ये सारे के सारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैकिंग। हैकर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट बनाते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिनको अगर कोई बंदा सिर्फ डाउनलोड कर ले, सिर्फ एक क्लिक करके डाउनलोड कर ले, तो उस बंदे का जो कंप्यूटर है वो हैकर के सामने आ जाता है। हैकर उसके कंप्यूटर को देख रहा होता है और उसके कंप्यूटर से कुछ भी चुरा सकता है, उसके कंप्यूटर पे हैकर का कंट्रोल आ जाता है। हैकर अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन उसके कंप्यूटर पे उसका कंट्रोल आ गया क्योंकि उसने हैकर का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर गलती से डाउनलोड कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल वो गेम डाउनलोड कर रहा था, देखें कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर गेम्स मौजूद होती हैं कि गेम डाउनलोड करो, तो वो लिखा होता है कि गेम की फाइल है। जब बंदा क्लिक करता है तो वो एक्चुअली स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि कोई पर्सन अगर इसको इंस्टॉल कर ले या डाउनलोड कर ले तो उस बंदे का जो कंप्यूटर है वो हैकर के सामने आ जाता है, हैकर के कंट्रोल में आ जाता है। तो हैकर उसके कंप्यूटर से कोई भी फाइल उठा सकता है या देख सकता है ये क्या पासवर्ड लगा रहा है, क्या काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसकी चुरा सकता है, उसकी प्राइवेसी खराब कर सकता है और उस बंदे को पता ही नहीं होता मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर कहलाता है जो हैकर बनाता है, और हैकर जो ये काम करता है इस प्रोसेस को हैकिंग कहते हैं। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेना बगैर उसके नॉलेज के, उसे पता ही नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है, तो इसे हैकिंग कहते हैं, और जो बंदा ये काम करता है उसे हैकर कहते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम करता है उसे स्पाईवेयर कहते हैं। तो खास तौर पर गेम्स वाली वेबसाइट्स पर ऐसे होता है, तो आपने बड़ी एहतियात करनी है। और लास्ट पे आता है पायरेसी। पायरेसी के बारे में हम इस चैप्टर के शुरू में जो हमने एथिकल इश्यूज पढ़े थे उसमें हमने डिस्कशन की थी, बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी, इसलिए यहाँ पर करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा और बच्चे जो हैं लेंथी लेक्चर्स को पसंद नहीं करते, तो इसलिए यहाँ तक ठीक है। ये पायरेसी जो है वो उस लेक्चर में पढ़ा हुआ है हमने, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था एथिकल इश्यूज़। अगर आपने सुना है तो वो देख लें, अगर पहले सुना हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो लेक्चर देख लें, उसमें पायरेसी के ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, फिर उसकी टाइप्स, वो काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये था साइबर क्राइम वाला क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।